मधु कोड़ा, तो इस भ्रष्टाचार के मामले में केवल मुखौटा थे बहनों भाइयों, भ्रष्टाचार को बढ़ाया है, खजाने पर डाका डाला है, तो कांग्रेस पार्टी, राजद और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने डाका डालने का काम किया है। केवल मधु कोड़ा इसके लिए अपराधी नहीं है, इनमें से हम किसी को किसी भी सूरत में माफ नहीं करेंगे। झारखंड की बदनामी केवल झारखंड की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। झारखंड बदनाम हुआ है तो सारे हिंदुस्तान में बदनाम हुआ है, सारी दुनिया में बदनाम हुआ है। आपके स्वाभिमान पर चोट यदि पहुंचाई है चोरी और भ्रष्टाचार के मामले में, तो कांग्रेस, राजद और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने आपके स्वाभिमान पर चोट पहुंचाई है। और आज मैं बैरमो के बहनों भाइयों से कहने आया हूं, मान सम्मान स्वाभिमान यह मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। भले ही कोई जवान गरीब मां की कोख से क्यों न पैदा हुआ हो, भले ही वह झोपड़ी में क्यों न रहता हो, भले ही खाने के लिए एक समय की सूखी रोटी क्यों न मिलती हो, लेकिन बड़े से बड़ा राजा महाराजा जाकर यह कहे कि तुम गरीब हो, झोपड़ी में रहते हो, तुम्हें खाने के लिए सूखी रोटी नहीं मिलती है, चलो तुम्हारे नाम से मैं अपना राजमहल लिख देता हूं, शर्त यह होगी कि प्रातःकाल तुम बिस्तर से उठोगे तो बैरमो के चौराहे पर सवेरे खड़ा करके प्रतिदिन तुम्हारी खोपड़ी पर दो दो जूते लगाए जाएंगे। तो भले ही वह जवान गरीब मां की कोख से क्यों न पैदा हुआ हो, उसका स्वाभिमान जाग उठेगा, राजा को ललकारते हुए कहेगा, ऐ राजा तुम वापस जाओ, तुम्हारे राजमहल को पैरों से ठोकर मारता हूं लेकिन खोपड़ी पर कभी जूता बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आज भी हमारा यह भारत गुलाम होता, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, बिरसा मुंडा जैसे नौजवानों ने अपना बलिदान देकर हमें आजादी दिलाने का काम किया है। कैसी प्रखर स्वाभिमान की भावना उनके अंदर थी कि चंद्रशेखर आजाद ने अपने ही रिवाल्वर की गोलियों से अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते जब रिवाल्वर में अंतिम गोली शेष बची तो आजाद जैसे स्वाभिमानी जवान को यह चिंता सताने लगी कि कहीं विदेशियों के रिवाल्वर की विदेशी गोली हमारे जिस्म में प्रवेश कर हमारे जिस्म को नापाक न कर दे। इसलिए स्वाभिमानी चंद्रशेखर आजाद ने अपने ही रिवाल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था, तब जाकर यह भारत आजाद हुआ है। यह होती है स्वाभिमान की भावना। मां कहती थी, बेटा अशफाकुल्ला जवान हो गया है, शादी कर ले, बहुला बूढ़ी हो गई हूं, मेरी देखभाल करेगी, मेरी परवरिश करेगी। लेकिन अशफाकुल्ला के दिल में तो आजादी हासिल करने की दीवानगी थी, मुस्कुरा कर मां के आग्रह को टाल देता था। लेकिन अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में जब फांसी की सजा हुई, फांसी के तख्त पर ले जाया गया, तो मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाकुल्ला अब तुम्हारी मुराद क्या है, जो भी तुम्हारी मुराद होगी यह संदेश तुम्हारी मां तक पहुंचा दिया जाएगा। स्वाभिमानी अशफाकुल्ला खान ने उसी फांसी के तख्त से ललकारते हुए मजिस्ट्रेट को कहा, ऐ मजिस्ट्रेट जाकर मेरी मां तक यह संदेश दे दे कि तुम्हारा बेटा अशफाकुल्ला आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है। स्वाभिमानी अशफाकुल्ला खान ने कहा कि हे मजिस्ट्रेट पागल मैं नहीं हो गया हूं, अंधे तुम हो गए हो, क्या तुझे दिखाई नहीं देता है मेरी आंखों के सामने जो यह फांसी का फंदा है यही वह हमारी महबूबा है जिसे आज मैं गले से लगाने जा रहा हूं, जिसके साथ मैं शादी रचाने जा रहा हूं। समझौता कर लेना बहनों भाइयों, लेकिन स्वाभिमान के साथ समझौता मत करना। कांग्रेस ने दो दो बार आपके स्वाभिमान पर चोट मारने की कोशिश की है, एक कोशिश सरकारी खजाने का धन लूट कर 4000 करोड़ रुपया, और दूसरी कोशिश कि 2005 में आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए अपना जनादेश दिया था। आपके जनादेश का अपमान, आपके जनादेश की अवमानना, यह भी कांग्रेस ने उस समय भी करके आपके स्वाभिमान पर चोट मारने की कोशिश की। इन्हें किसी भी सूरत में बहनों भाइयों माफ नहीं किया जाना चाहिए। यदि मैं दोबारा आना चाहूंगा तो फूलों का हार पहनकर अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आना चाहूंगा,
बल्कि एक बार शीश झुकाकर बेरमो की जनता का अभिनंदन करने के लिए आना चाहूंगा, उनका मैं स्वागत करने के लिए आना चाहूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बातों को सुने इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। जय हिंद, जय भारत। सरकार